हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज की नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में हाल ही में टेस्ट की गई इंडियन कार्स की क्रैश टेस्ट रेटिंग की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल एनकैप ने निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, होंडा सिटी और होंडा जैज का क्रैश टेस्ट किया है। अगर आप लोगों में से भी कोई न्यू कार परचेज करने का मन बना रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर 2020 में इंडियन मार्केट में आने वाली कार निसान मैग्नाइट की। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में अपने बोल्ड लुक और आई कैचिंग डिजाइन से ये कार कस्टमर्स को काफी पसंद आती है। बट 1039 केजी कर वेट वाली ये कार अपने कॉम्पिटिटर्स वेन्यू और नेक्सॉन से थोड़ा हल्की है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर एक सवाल खड़ा करता था। और यही कारण था कि कस्टमर्स निसान मैग्नाइट को परचेज करने से पहले डरते थे। हालांकि एक साल पहले एशियन एनकैप में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग अर्न करने वाली इस कार ने बिल्ड क्वालिटी को अपनी साबित किया था और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी इसने अपनी बिल्ड क्वालिटी को प्रूव किया है और ये कार 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। इस टेस्ट में 2 फ्रंट एयरबैग के साथ गई मैग्नाइट ने एडल्ट सेफ्टी में 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2-स्टार अर्न किए हैं। इस कार में आपको सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो सेफ्टी में आपको ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर स्टैंडर्ड हर वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं निसान मैग्नाइट के ही प्लेटफॉर्म पर बनी कार रेनो काइगर की। फ्रेंच कंपनी रेनो और जैपनीज कंपनी निसान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बनी इस कार को इंडिया में जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। चेन्नई में असेंबल हुई ये कार सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट पे अपने कॉम्पिटिटर्स को तगड़ा कंपटीशन देती है। इस कार में भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग अर्न करी है। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ गई इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2-स्टार रेटिंग मिली है। इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट है क्योंकि दोनों ही कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई हैं और असेंबल भी हुई हैं। ग्लोबल एनकैप में टेस्ट होने वाली अगली कार है होंडा की जैज। 2001 में ये कार जापान में लॉन्च हुई थी और अभी इसका 2020 में लॉन्च हुआ 3rd जनरेशन वेरिएंट इंडियन मार्केट में बिक रहा है और 4th जनरेशन वेरिएंट जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ गई इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 4-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3-स्टार रेटिंग मिली है। अगर मैं बात करूं इस कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की तो कार में आपको ABS विद EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट साइड एयरबैग बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियंस की ड्रीम सेडान कार होंडा सिटी की। मिड साइज सेडान पसंद करने वालों के लिए कार हमेशा से ही एक फेवरेट ऑप्शन रहा है। जैपनीज डिज़ाइन और आउटस्टैंडिंग लुक्स के साथ आने वाली इस कार को चाइल्ड सेफ्टी में 4-स्टार और एडल्ट सेफ्टी में भी 4-स्टार रेटिंग मिली है। ये टेस्ट होंडा सिटी के 4th जनरेशन मॉडल पर किया गया था, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अभी इंडिया में 5th जनरेशन मॉडल होंडा सिटी का सेल हो रहा है, जो कि 4th जनरेशन वेरिएंट से सेफ्टी में काफ़ी बेहतर ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव और इंडियन कस्टमर्स के जागरूक होने के बाद कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज अब सेफ्टी पर भी ध्यान देने लगी हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से इंडियन मार्केट में अवेलेबल कार्स भी ग्लोबल एनकैप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।